स्टूडेंट्स वेलकम टू माय क्लास। आज हम बताएंगे आपको एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज द फाइंड द क्वाड्रेंट एंड रिमाइंडर ऑन डिवाइडिंग एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स माइनस वाई। इट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर को आपको डिवाइड करना है एक्स माइनस वाई से। पहले की तरह आपको यहाँ एक्स स्क्वायर को x से डिवाइड करना है। सो एक्स स्क्वायर अपॉन x, x इंटू x अपॉन x, x x कैंसिल हो गया, आंसर इज x। यहाँ आंसर आया हमारा x, यहाँ आ गया एक्स स्क्वायर। अब हमें x का मल्टीप्लाई माइनस वाई से करना है, x इंटू माइनस वाई। ध्यान रहे स्टूडेंट्स, आपको विद साइन सभी वेरिएबल्स को लेना है। यहाँ माइनस वाई है तो हम यहाँ माइनस वाई लेंगे, आंसर आएगा माइनस एक्स वाई। यहाँ हम लाएंगे माइनस एक्स वाई, नाउ भी सब्ट्रैक्टेड, साइन चेंज, एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर माइनस प्लस में कैंसिल हो गए। अब माइनस टू एक्स वाई प्लस एक्स वाई, साइन अलग अलग है, बड़ी संख्या है आपका माइनस टू एक्स वाई, सो माइनस साइन टू एक्स वाई माइनस एक्स वाई, आंसर इज एक्स वाई प्लस y स्क्वायर। नेक्स्ट नंबर इज y स्क्वायर। नाउ वी डिवाइड माइनस एक्स वाई फ्रॉम x, माइनस x इंटू y डिवाइडेड बाय x, x x माइनस वन प्लस वन, माइनस वन इंटू y इज इक्वल टू माइनस वन, आंसर इज माइनस y, माइनस एक्स वाई। नाउ वी मल्टीप्लाई माइनस वाई बाय माइनस वाई, माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर, वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, साइन चेंज, माइनस एक्स वाई एंड प्लस एक्स वाई इज कैंसल, प्लस वाई स्क्वायर एंड माइनस वाई स्क्वायर इज ऑल्सो कैंसल, सो द रिमाइंडर इज जीरो। रिमाइंडर इज जीरो एंड द आंसर इज एक्स माइनस वाई क्वाड्रेंट। सो स्टूडेंट्स दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज डिवाइड पॉलिनोमियल्स a by polynomial a minus b। अब स्टूडेंट्स यहाँ आपको a को डिवाइड करना है a minus b से। सो a is divided by a minus b। कुछ अजीब लग रहा है स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन, आपको a को डिवाइड करना है a minus b से। यहाँ आपको by के बाद, आपको बाय के बाद जो वेरिएबल दिया है उससे ही डिवाइड करना होता है फर्स्ट वाले नंबर को, फर्स्ट वाले वेरिएबल्स को। तो आपको ए को डिवाइड करना है ए माइनस बी से, आपको ए को डिवाइड करना है सबसे पहले ए से, तो ए एंड ए कैंसिल, आंसर इज प्लस वन वन। यहाँ आपका ए आ गया, बट आपके पास एक नंबर और है माइनस बी, वन इंटू माइनस बी, सो द आंसर इज माइनस बी। यहाँ आप साथ में लेंगे माइनस बी, नाउ सब्ट्रैक्ट इट, माइनस एंड प्लस कैंसिल इट, एंड यहाँ आ जाएगा आपका प्लस बी। नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पर अब आपको प्लस बी मिला है रिमाइंडर और प्लस वन है आपका क्वाड्रेंट। रिमाइंडर इज प्लस बी एंड क्वाड्रेंट इज One। एक बार हम आंसर भी चेक कर सकते हैं स्टूडेंट्स इसका, एक्सरसाइज वन।
क्वाड्रेंट इज वन एंड रिमाइंडर इज बी। तो देखा स्टूडेंट्स आपने, ये भी क्वेश्चन हमें डाउट था इस पे थोड़ा कि हम कुछ रॉन्ग तो नहीं कर रहे हैं, प्लस वन हमारा राइट आंसर है या नहीं, इसलिए हमने आंसर चेक किया तो प्लस वन इज द राइट आंसर एंड द रिमाइंडर इज बी। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज इफ डिविजिबल डिविजर इज इक्वल टू 3x² - 2x + 2, क्वाड्रेंट इज x + 1 एंड रिमाइंडर इज 3, देन व्हाट इज द डिविडेंड। अब स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर डिविजर, क्वाड्रेंट एंड रिमाइंडर दिया हुआ है, सो आपको यहाँ एक फॉर्मूला यूज करना होगा। देखिए पेज नंबर 8 में डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इंटू क्वाड्रेंट प्लस रिमाइंडर। आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स, आप डिविजर का मल्टीप्लाई जब क्वाड्रेंट से करते हैं और रिमाइंडर उसमें प्लस करते हैं तो आपको डिविडेंड मिल जाता है। तो आप यही फॉर्मूला यहाँ यूज करेंगे, डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इंटू क्वाड्रेंट प्लस रिमाइंडर। सो डिविजर इज 3x² - 2x + 2 इंटू क्वाड्रेंट इज x + 1 एंड द रिमाइंडर इज 3। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ सबसे पहले मल्टीप्लाई करना होगा, जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे, आफ्टर देन हम उसमें रिमाइंडर को प्लस करेंगे। सो आप यहाँ पर 3x² का मल्टीप्लाई x + 1 से पहले करेंगे, 3x² - 2x + 1 + 2 × x + 1। इस पूरे को आप एक ब्रैकेट में रखेंगे, प्लस 3 आपका अलग होगा, इज इक्वल टू 3x² का मल्टीप्लाई आपने x से किया तो x² एंड x^1 तो 3x³ + 3x² 1 से मल्टीप्लाई होगा तो नंबर एज इट इज रहेगा, -2x (x²) + (+2x)(++2x)(++2x)(+++2). ये आया आपका मल्टीप्लाई करने पर +3। अब आप इसे सबसे पहले अंदर पे ही सॉल्व करेंगे, उसके बाद आप ब्रैकेट से बाहर ले जाएंगे। 3x³ वाला हमारे पास कोई नंबर नहीं है इसलिए आप इसे एज इट इज लिखेंगे, +3x² - -2x² सब्ट्रैक्ट होंगे, आंसर आएगा x² प्लस में आएगा क्योंकि 3x² इज द बिग नंबर, x² - 2x एंड + 2x कैंसिल हो जाएंगे एंड +2 + 3। अब आप इसे ब्रैकेट से बाहर लाएंगे, 3x³ + x² + 2 + 3 = 3x³ + x² + 5 इज द आंसर एंड डिविडेंड इज द 3x³ + x² + 5। सो स्टूडेंट्स आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 8, इफ डिविजर इज इक्वल टू 4x - 7, क्वाड्रेंट x + 1 एंड रिमाइंडर इज 0, देन व्हाट इज द डिविडेंड। इसी प्रोसीजर से ही हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, फॉर्मूला हमने सेम लिया है, डिविजर इज 4x - 7 इंटू क्वाड्रेंट x + 1 एंड रिमाइंडर इज 0। रिमाइंडर यहाँ 0 होने से स्टूडेंट्स हमें केवल इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करना है, हमारा आंसर डिविडेंड हमें मिल जाएगा 4x × x + 1
माइनस सेवन इंटू एक्स प्लस वन, फिर भी हमें प्लस जीरो लिख देना चाहिए। फोर एक्स इंटू एक्स, फोर एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस सेवन एक्स, सेवन इंटू एक्स माइनस सेवन एक्स, माइनस प्लस माइनस सेवन प्लस जीरो इक्वल टू फोर एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स एंड माइनस सेवन एक्स सब्ट्रैक्ट होंगे, आंसर आएगा माइनस थ्री एक्स माइनस सेवन प्लस जीरो, फोर एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस सेवन। जीरो को हम सेवन से प्लस करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारा आंसर माइनस सेवन ही आएगा। सो द डिविजर इज फोर एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस सेवन। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर एट। नाउ क्वेश्चन नंबर नाइन, प्रूव दैट ऑन डिवाइडिंग द पॉलिनोमियल फोर एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस नाइन बाई एक्स माइनस वन द रिमाइंडर इज जीरो। आपको इस क्वेश्चन में केवल ये प्रूफ करना है कि आप इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करने पर आपका रिमाइंडर जीरो आएगा। तो देखते हैं इसका रिमाइंडर जीरो आता है या नहीं। क्वेश्चन नंबर नाइन, फोर एक्स क्यूब। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको ये देखना चाहिए कि नंबर इन ऑर्डर है या नहीं, मतलब सबसे बड़ी पावर पहले है या नहीं। प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस नाइन बाई एक्स माइनस वन, सेम मेथड हम यूज करेंगे यहां भी। फोर एक्स क्यूब को हम डिवाइड करेंगे x से, 2 इंटू टू इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स डिवाइडेड बाई x, तो सिर्फ एक x हमारा कैंसिल होगा, बचा हमारे पास 2 इंटू टू फोर एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। ये आया हमारा आंसर 4x स्क्वायर, 4x क्यूब ये आया। नाउ 4x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई माइनस वन, 4x स्क्वायर इंटू माइनस वन आंसर इज माइनस 4x स्क्वायर। माइनस फोर एक्स स्क्वायर हम यहाँ लेंगे, माइनस फोर एक्स स्क्वायर नाउ बी सब्ट्रैक्टेड, माइनस प्लस साइन चेंज, प्लस एंड माइनस कैंसल्ड, प्लस थ्री एक्स स्क्वायर एंड प्लस फोर एक्स स्क्वायर दोनों ऐड हो जाएंगे, प्लस सेवन एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस सेवन। आफ्टर देन वी डिवाइड सेवन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स, 7 इंटू एक्स इंटू एक्स डिवाइड बाई एक्स, एक्स एक्स कैंसल, आंसर इज 7 इंटू एक्स 7x प्लस 7x। अब इस 7x का मल्टीप्लाई हमें माइनस वन से करना है, सेवन एक्स इंटू माइनस वन आंसर इज माइनस सेवन एक्स, माइनस सेवन एक्स subtracted minus and plus cancelled, plus 2x and plus 7x answer is minus 9x minus 9, next number is minus 9, 9x is divided by x answer is only number 9, plus 9 yaha hai aapka 9x, 9 into minus 1 माइनस नाइन सब्ट्रैक्टेड माइनस एंड प्लस कैंसल, माइनस नाइन एंड प्लस नाइन ऑल्सो कैंसल, द रिमाइंडर इज जीरो। देन आपने ये क्वेश्चन प्रूफ करना था, यहां पर आपने प्रूफ कर दिया कि रिमाइंडर इज जीरो। तो ये था स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर नाइन। अगले वीडियो में हम देखते हैं आगे के बाकी क्वेश्चंस। थैंक यू।